बनाने जा रही हूँ तंदूरी पाकिस्तानी चिकन। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है, सबसे पहले तो मैंने एक छोटी कटोरी दही की ली है, साथ में मैंने 750 ग्राम चिकन ले लिया है। और अब हम इस दही में बाकी इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। सबसे पहले तो हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। हमने चिकन को मैरिनेट करना है सबसे पहले तो 2 आवर्स के लिए। इसमें मैंने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट भरकर डाल दिया है। साथ ही हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। उसके बाद डालेंगे हम इसमें चिली फ्लेक्स, सॉल्ट टू टेस्ट, धनिया पाउडर 2 बड़े चम्मच। साथ में इसके हम डालेंगे देगी मिर्च, किचन किंग मसाला 1 बड़ा चम्मच, कस्तूरी मेथी, और इसे हम अच्छी तरह कर लेंगे अब मिक्स सारे इंग्रेडिएंट्स को। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे चिकन पीसेस। हर चिकन पीसेस को ये देखिए मैंने कट लगा दिया है ताकि जो ये मैरिनेशन है वो अच्छी तरह चिकन के अंदर रस जाए। और अब हम इसे भी अच्छी तरह हाथ से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने से पहले हम 1 लेमन जूस डालेंगे। और ये सारे मैरिनेशन को चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। को मैरिनेशन में अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब मैंने इसको तंदूरी फ्लेवर देने के लिए एक कोयले को अच्छी तरह गरम कर लिया है। कोयले बड़े इजीली मिल जाते हैं आपको, प्रेस वालों से या कहीं से भी मिल जाएंगे। कच्चा कोयला है ये। इसको इसके ऊपर रखने के बाद अब हम इसमें 1 चम्मच फटाफट घी डाल के और इसे फटाफट कवर कर देंगे ताकि जो ये स्मोक की स्मेल और फ्लेवर है जो तंदूरी चिकन को फ्लेवर देगा वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। और इसे 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए साइड पे रख देंगे। उसके बाद हम बनाएंगे तंदूरी पाकिस्तानी चिकन। हो गया है चिकन को मैरिनेट करते हुए। और अब हम इसके लिड को हटा के और ये फॉइल के ऊपर जो हमने कोयला रखा था इसे हटा देंगे। और साथ ही अब मैंने घी गरम करना रख दिया है, ये मैंने देसी घी डाला है। और अब हम चिकन के पीसेस को एक एक करके इस घी में हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे। ये देखिए पानी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। थोड़े थोड़े से चिकन के पीसेस को डाल के इसे फ्राई करना है और साथ ही लिड भी लगा देनी है ताकि चिकन हल्का हल्का सा गल जाए। अब हम सारे चिकन को थोड़े से देसी घी के अंदर फ्राई करके सारे चिकन पीसेस को निकाल के अलग रख लेते हैं। सिर्फ 5 मिनट के लिए तेज आंच पर हमें चिकन को फ्राई करना है। अब हम इसकी लिड हटा लेते हैं और इस 5 मिनट में मैंने एक आध बार चिकन को स्टर किया है और ये देखिए चिकन हल्का हल्का सा फ्राई हो गया है। अब ये सारे पीसेस को एक प्लेट में बाहर निकाल लेते हैं।
मैंने एक बारी सारे चिकन पीसेस को बाहर निकाल लिया है। ऐसे ही बाकी के बचे हुए चिकन पीसेस को भी हम फ्राई कर लेते हैं। देखिए सारे चिकन को मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और ये 50% कुक हो गया है। और साथ ही मैंने उसी कढ़ाई को वापस गर्म करने के लिए रख दिया है और इसमें 1 चम्मच मैंने घी और डाल दिया है क्योंकि मुझे कम लग रहा था। अब हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले, दालचीनी, लौंग और मोटी इलायची। इसे डालने के बाद एक बार इसे स्टर कर लेते हैं। खड़े मसाले डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरा डालने के साथ साथ ही हम इसमें डालेंगे एक स्लाइस किया हुआ अनियन। और इसे भी हम अच्छी तरह भून लेते हैं। ये प्याज हमारे हल्के हल्के से फ्राई हो गए हैं और अब हम इसमें 2 स्लाइस किए हुए टमाटर डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढककर गैस की फ्लेम को हम मीडियम लो पे कर देंगे और इसे अच्छी तरह पकने देंगे। मिनट हो गए हैं लिड को रखे हुए कढ़ाई पर और अब हम इसे अच्छी तरह एक बार दोबारा स्टर कर लेते हैं सारे मसाले को और इसे सर्विंग स्पून की मदद से हल्का हल्का सा इसे सॉटे कर लेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए। हल्का हल्का सा इसे प्रेस करते जाएंगे कि टमाटर और प्याज का मसाला आपस में अच्छी तरह मिक्स एंड मैच हो जाए। अब हम इसमें दोबारा से मसाले डालेंगे। पहले तो हमने मसाले डाले थे मैरिनेशन के टाइम, अब हम मसाले डालेंगे और ध्यान में रख के डालेंगे कि पहले भी मसाले डाले हुए थे तो अब मसाले कम डालने हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच किचन किंग पाउडर, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। नमक अभी हम नहीं डालेंगे, पहले हम इस मसाले को अच्छी तरह चिकन के साथ मिक्स करके चेक कर लेंगे कि अगर नमक कम लगेगा तो ही डालेंगे। अब सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। ये मैंने मैरिनेशन वाले बाउल में ही पानी ले लिया है थोड़ा सा। ये समझिए मैंने कि 1 कप पानी लिया है और फिर दोबारा से इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। और साथ ही हम डाल देंगे इसमें जो हमने चिकन को रोस्ट किया था और इसे आराम से डाल देंगे। और एक बारी दोबारा मिक्स करने के बाद मसाले के साथ इसको इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए गैस की फ्लेम को मीडियम लो करके पकाएंगे और 10 से 15 मिनट बाद हमारा मज़ेदार तंदूरी पाकिस्तानी चिकन बनकर तैयार हो जाएगा। ये मसाला हमारा चिकन के साथ बढ़िया तरीके से मिक्स हो गया है और सिर्फ 5 मिनट की देरी है और हमारा मज़ेदार तंदूरी पाकिस्तानी चिकन बनकर तैयार है। उससे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी क्रीम, इसकी ग्रेवी को एक शाही टच देने के लिए, और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और इसे गार्निश करेंगे अब हम हरे धनिए के साथ और साथ में हम डालेंगे 2 हरी मिर्चें और अदरक के लच्छे। और सिर्फ 2 मिनट की बात है और चिकन बनकर तैयार हो जाएगा। इसे हम गर्मा गर्म फिर सर्व करते हैं।
और इसे 1 सेकंड के लिए मैं ढक भी रही हूँ साथ।